20th क्वेश्चन है आपका ये। काहे कि अगर रेडियस जो है स्फेयर की डबल कर दी जाए तो बताओ क्या रेशियो होगा, जो फर्स्ट का वॉल्यूम होगा जिसमें रेडियस आर थी, और जब आपने डबल कर दिया है जो नया स्फेयर है उसके वॉल्यूम से। ओके, तो क्यों ना पहले एक ऐसे स्फेयर बना लिया जाए, ठीक है। ओके, मान लीजिए स्फेयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस हम अभी मान के चल रहे हैं आर, इसकी रेडियस है आर, ठीक है। ओके, और एक स्फेयर और मान लेते हैं जब इसकी रेडियस डबल कर दी गई है इसके, ठीक है, 2R। ओके, काय दोनों का वॉल्यूम बताओ, फिर इनका रेशियो क्या है वो बताओ, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ये आर है, इसकी रेडियस डबल है, ठीक है। वॉल्यूम आप लोग जानते हो निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 πr³। इधर भी वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम 4/3 πr³, लेकिन यहाँ पे जो आर लेंगे आप 2r³, क्योंकि जो रेडियस है वो डबल हो गई। अब 4/3 π × 2³, 8r³, r³, ठीक है। या तो इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो, या ऐसे रहने दो, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा ना इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पूछा क्या, हमसे पूछा है रेशियो बताओ, रेशियो दोनों के वॉल्यूम्स का। तो इसका जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर जिसकी रेडियस आर है उसको डिवाइड कर दो उस स्फेयर से जिसकी रेडियस 2r है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 2r, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 4/3 πr³ को डिवाइड कर दो 4/3 π 8 × r³। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 8, यानी फाइनल आंसर इज 1:8, 1:8 आंसर यही है क्या? यस सर, यही है। ओके, नोट करो इसको जल्दी से।